ये वीडियो पूरी देखो। अस्सलाम वालेकुम। सो बचपन में डोरेमोन सबने देखा होगा, वो सबको पसंद होगा। मुझे तो आज भी पसंद है और मैं आज भी देखती हूँ। आपको पता है डोरेमोन ने मूसा इस्लाम की बात बहुत अच्छे से समझाई है। जरा इस वीडियो को देखें। अब ये कहानी ध्यान से सुनना। हजारों साल पहले की बात है, यहूदी लोग इजिप्ट में गुलाम थे। फिर थोड़े समय बाद मोसेस नाम का एक बहुत भला इंसान आया। उसने वहाँ आकर सब यहूदियों को समझाया और उन्हें इजिप्ट से बाहर ले गया। वो सभी लोग कारवा बनाकर उसके पीछे चलने लगे। इजिप्ट के राजा ने अपनी सेना उनके पीछे भेजी। मोसेस और यहूदी लोग लाल सागर की तरफ जा रहे थे। आगे समुद्र था और पीछे जमीन पर इजिप्ट के राजा की सेना। और पता है, तब उन्हें एक बहुत ही जरूरी फैसला करना पड़ा। फिर मोसेस ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और तुरंत समुद्र दो हिस्सों में बट गया। फिर मोसेस के साथ यहूदी लोग रास्ता पार करके दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गए। जब इजिप्ट की सेना ने उन्हें पकड़ना चाहा, तो समुद्र वापस बंद हो गया और सारी सेना डूब गई। समुद्र के वापस बंद होने से कोई भी नहीं बचा। ये वीडियो पूरी देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, तो हम आपसे एक इस्लामी सवाल करना चाहते हैं, ठीक है? आप ये बताएं, गुस्ल करते वक्त क्या कलमा पढ़ना चाहिए? जी नहीं। तो आप पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती। जी नहीं, हम नहीं पढ़ते। अच्छा, माशाल्लाह। एक यही एक बात है जो है, गुस्ल करते वक्त लोग कलमा पढ़ते हैं, लेडीज़ खास करके पढ़ती हैं। तो मैं सब लेडीज़ से कहना चाहूँगी कि गुस्ल करते वक्त कलमा नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ तक दिल में भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप और लेडीज़ नहीं, जेंट्स के लिए भी कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जो है पढ़ना है अगर, तो उससे आप जो है बाहर आके गुस्ल खाने से तो आप पढ़ सकते हैं, अपने ऊपर पढ़ के फूंक लें। लेकिन लोग समझते हैं हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। और कलमे के लिए नहीं है, मना दिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। गुस्ल खाने में या लेटरिन वगैरह में ऐसी जगह नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है। आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो पूरी देखो। हमारे बच्चों से पूछिए कि उनके हीरो कौन है, तो आपको थोर का नाम बता सकते हैं, स्पाइडरमैन का नाम बता सकते हैं, सुपरमैन का नाम बता सकते हैं। हमारी बच्चियों से पूछें तो वो भी किसी करेक्टर या फिक्शन करेक्टर की बात करेंगी। मैंने आज तक किसी बच्चे के मुंह से ये नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मेरे फेवरेट जो हैं वो हज़रत खालिद बिन वलीद हैं, वो हमारे हीरो हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिया हो, किसी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिया हो। कभी किसी बच्ची के मुँह से नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मैं हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रज़ी अल्लाह अन्हु को फॉलो करूँगी, हज़रत आयशा को फॉलो करूँगी। सहाबा कराम और सहाबियात की ज़िंदगियाँ बताई ही नहीं गई माँ बाप की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। तो बच्चे फिर ऐसे करेक्टर्स को फॉलो करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते मौजरे में।